जनरल बिपिन रावत देश की सेना के पराक्रमी योद्धा थे, जिनकी आर्मी में उनकी ड्यूटी सबसे पहली थी और उन्हें अपनी वर्दी से सबसे ज्यादा लगाव था। 1978 में जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, तब से लेकर अपनी अंतिम सांस तक ये वर्दी उनके साथ रही। इसके अलावा उनके साथ आखिरी वक्त तक उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने भी उनका साथ निभाया। 1986 में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की शादी हुई। उसके बाद जीवन में आखिरी सफर तक वो अपने पति जनरल बिपिन रावत के साथ रहे। लेकिन कितना खूबसूरत था जनरल बिपिन रावत और उनके हम सफर का इतिहास, देखिए खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, 36 साल का लंबा सफर, प्यार और समर्पण का अटूट रिश्ता, जीवन की ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी मुश्किल भरी राहों पर हमेशा साथ चले, एक दूसरे का साथ निभाने का जो वचन शादी के वक्त लिया था उसे आखिरी दम तक निभाया। जनरल बिपिन रावत की जिंदगी में सबसे अहम उनका देश था। इसके बाद उनके जीवन में अपनी फौजी वर्दी और अपनी जीवन संगिनी दोनों का बहुत महत्व था और उनके आखिरी सफर में ये दोनों उनके हम सफर भी थे। जनरल साहब पर वर्दी खूब फपती थी। वर्दी पहनकर सीने पर सितारे लगाकर जब वो निकलते थे तो देखने वाले देखते रह जाते थे। फौजी वर्दी में देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। हम आपको जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के रिश्ते और उनके अटूट बंधन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए अपनी ऑलिव ग्रीन वर्दी से उन्हें कितना लगाव था। आई एम प्राउड ऑफ द यूनिफॉर्म दैट आई वेयर विच इज ऑलिव ग्रीन एंड आई वॉन्ट टू टेल ऑल माई सोल्जर्स, मैं हर एक जवानों से बताना चाहूँगा कि ऑलिव ग्रीन का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है ऑलिव ग्रीन, उसमें कोई शेड्स नहीं होते। ये वर्दी जनरल रावत ने 1978 में पहनी। IM से अपने बैच के सॉर्ड ऑफ ऑनर बनकर निकले जनरल बिपिन रावत ने अपने आर्मी करियर की शुरुआत 11 गोरखा राइफल से लेफ्टिनेंट के तौर पर की। सरहदों पर वो देश के लिए पसीना बहाते रहे। साल 1985 तक लेफ्टिनेंट बिपिन रावत कैप्टन बिपिन रावत बन चुके थे और इसी साल उनकी जिंदगी में आई मधुलिका रावत। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सोहागपुर में पैदा हुई। उनके पिता कुंवर मृगेंद्र सिंह राजनीति में सक्रिय थे और दो बार विधायक भी रहे। मृगेंद्र सिंह रीवा घराने से ताल्लुक रखते हैं। शहडोल में अब भी उनका महलनुमा घर है जहां उनका परिवार रहता है। कैप्टन बिपिन रावत से लेकर देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद तक पहुंचने वाले जनरल रावत को हर कदम पर अपनी पत्नी का साथ मिला। कुछ तस्वीरें हैं जो इस यादगार सफर की साक्षी भी हैं। इस तस्वीर को देखिए, नई नई शादी के बाद कुछ ऐसा दिखता था ये जोड़ा। इस तस्वीर में जनरल बिपिन रावत के माता पिता और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पिता हैं। साथ में मौजूद हैं खुद मधुलिका रावत, जिनके हाथ में उनकी बेटी है। इन तस्वीरों में जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की दो बेटियां कृतिका और तारिणी भी अपनी माँ के साथ नजर आ रही हैं। मधुलिका रावत
फौजी कार्यक्रमों में भी जनरल रावत के साथ नजर आती थी। इसके अलावा जब जनरल बिपिन रावत अपने गांव की यात्रा पर जाते उस वक्त भी पत्नी उनके साथ मौजूद रहती। ये साल 2017 की तस्वीरें हैं जब जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ तिरुमाला तिरुपति के दर्शन करने के लिए गए। दोनों ने साथ में पूजा की। अपनी ससुराल से भी जनरल बिपिन रावत का बहुत गहरा रिश्ता था। फौज की नौकरी के दौरान अक्सर उनको अपने ससुराल वालों से मिलने जुलने का वक्त नहीं मिलता था, बड़ी शिकायतें रहती थी। ऐसे में जनरल साहब ने वादा किया था कि रिटायरमेंट के बाद ससुराल वालों को भी सेवा का मौका देंगे। एक बार हम लोग बैठे हुए थे कलकत्ता में रैमपार्ट में, तो हमने उनसे कहा कि जिया जी आइए हम आपकी सेवा करते हैं, कभी आप ससुराल पधारिए तो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी समय है हमको अपनी फौज की सेवा करने का, मैं अपनी फौज की सेवा कर लूँ पहले, रिटायरमेंट के बाद देखते हैं कि तुम हमारी सेवा कितनी करोगे। ऐसा उन्होंने मजाक में हमसे बात कही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, दिन महीने साल गुजर रहे थे और हर गुजरते पल के साथ ये रिश्ता बहुत मजबूत होता जा रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत के करीबी बताते हैं अक्सर वो लंबे सफर नहीं करती थी, लेकिन आखिरी सफर में उन्होंने जनरल रावत को अकेला नहीं छोड़ा। एक हादसे ने देश के पराक्रमी नायक के साथ साथ प्रेम और समर्पण की इस कहानी को भी खत्म कर दिया, लेकिन जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत आखिरी सफर में भी साथ थे।